sudden start. So causes of the neurotic illnesses. So यहाँ पे भी हम इसको जैसे psychosis में discuss करा था वैसे ही करेंगे. So दो factors आते हैं. So यहाँ पे psychological factors को मैं पहले लिख रही हूँ because यहाँ पे psychological factors major role play करेंगे. जेनेटिक फैक्टर भी बायोलॉजिकल फैक्टर भी हम देखेंगे बट यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है जैसे साइकोसिस में बायोलॉजिकल फैक्टर्स का था. सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से ट्रिगर आ सकते हैं सो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट इज द अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हो गए, अनरिजॉल्व स्ट्रेस हो गया, देन अनमेट लाइफ गोल्स कि आपने कुछ गोल्स कुछ टारगेट सेट करे थे आप उन गोल्स को मेट नहीं कर पा रहे हो तब भी आपने क्या है स्ट्रेस रिएक्शन आने स्टार्ट हो सकते हैं. सो थर्ड वन इज द चेंजेस इन लाइफ सर्कमस्टांसेस. सो चेंजेस इन लाइफ सर्कमस्टांसेस क्या हो गया कि मैरिज हुई है ठीक है जहां डाइवोर्स हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट है जहां फिर किसी लव्ड वन की फैमिली में डेथ हुई है. सो चेंज आया ना मेजर लाइफ चेंज आया सो उस कंडीशन में भी न्यूरोसिस हो सकता है. एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. कुछ चेंजेस इन लाइफ सर्कमस्टांसेस कैन लीड टू द न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स एंड इसमें एडजस्टमेंटल डिसऑर्डर इज अ मोस्ट कॉमन. सो नेक्स्ट है लॉन्ग माल अडैप्टिव बिहेवियर. सो लॉन्ग माल अडैप्टिव बिहेवियर का क्या मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है उसको रैट से डर लगता है ठीक है उसको फियर होता है रैट को देख के तो क्या करेगा जब भी उसको रैट दिखेगा वो भाग जाएगा. सो उस टाइम पे उसने अपनी एंजाइटी को तो रिलीफ कर लिया वहां से निकल के बट फर्दर क्या होगा वो इंक्रीज करेगा चांसेस ऑफ दी फोबिया फ्रॉम डेट एनिमल ठीक है. सो इससे क्या होगा फोबिक रिएक्शंस हो सकते हैं जहां फोबिया हो सकता है इन फ्यूचर. सो फोबिया इज ऑल्सो न्यूरोटिक डिसऑर्डर लॉन्ग माल अडेप्टिव बिहेवियर. उसके बाद जो कॉमन से पॉइंट रहते हैं पुअर सोशल रिलेशनशिप्स एंड फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ सिचुएशंस. सो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होके क्या है न्यूरोसिस को कॉज कर सकते हैं. सो ये तो हो गए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सो नेक्स्ट आ गए बायोलॉजिकल फैक्टर्स. सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक्स यहाँ पे कोई ज्यादा खास रोल प्ले नहीं करती न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में. नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल फैक्टर. सो बायोकेमिकल फैक्टर किसी डिसऑर्डर की अक्रेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइक एंजाइटी हो गई एंजाइटी फोबिया पैनिक अटैक और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं न्यूरोसिस वाली. सो इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में गाबा का लेवल डिक्रीज हुआ होता है. सो गाबा इज अ न्यूरोकेमिकल इसकी फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड. सो इसकी जब क्वांटिटी डिक्रीज होती है इसकी अमाउंट डिक्रीज होती है बॉडी में सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू द एंजाइटी फोबिया पैनिक अटैक एंड अदर न्यूरोटिक कंडीशंस. सो बायोकेमिकल फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं जेनेटिक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑर्गेनिक फैक्टर भी यहाँ पे उतना रोल प्ले नहीं करते हैं जितना साइकोसिस में होता था. सो अगर देखा जाए यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर प्लेइंग मेजर रोल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बायोकेमिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं. सो इसी के साथ हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया इटियोलॉजी देख ली कॉजेस देख ले डिसऑर्डर्स देख लिए कौन कौन से आते हैं. देन आगे हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स और इम्पैक्ट क्या होता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स का. सो नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स. सो जैसा कि हमने साइकोसिस में देखा था हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन टू सिम्टम्स वर मेजर सिम्टम इन साइकोसिस बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है. सो इसमें जो जर्नल से सिम्टम्स आते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर में वो हम देख लेते हैं. सो एक तो आगे इसमें फिजिकल सिम्टम्स एंड सेकेंड आ गए साइकोलॉजिकल. सो फिजिकल सिम्टम्स में क्या आएगा सबसे
पाल्पिटेशंस, इंक्रीज हार्ट रेट, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, हार्ट एकिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, देन मसल पेन, फटीग और ऐसे ऐसे करके फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल में क्या आएगा? साइकोलॉजिकल में स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी, इनसोमिया रहेगा पेशेंट को, देन इरिटेबिलिटी, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव वरी, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव वरी, देन कॉग्निटिव भी हम इसी में लिख लेते हैं, डिक्रीज कंसंट्रेशन एंड अटेंशन स्पैन, देन पुअर मेमोरी, इसी के साथ लर्निंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, एंड इमोशनल लायबिलिटी। इनसाइट इज ऑलवेज प्रेजेंट। सो यहां तक हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए न्यूरोटिक डिसऑर्डर के। नेक्स्ट आ रहे थे इम्पैक्ट क्या होगा न्यूरोटिक डिसऑर्डर का। सो जैसे साइकोसिस में पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन वहां पे आ रहा था ड्यू टू हेलुसिनेटरी एंड डिल्यूजनल बिहेवियर, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे कुछ ज्यादा मेजर पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी, जजमेंट यहाँ पे इंटैक्ट रहेगी, जजमेंट में कोई इंपेयरमेंट नहीं होगी। देन उसके बाद सोशल रिलेशनशिप्स में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, बिकॉज इन फैक्ट इन दिस न्यूरोटिक कंडीशन पेशेंट इज सीकिंग द एडवाइस ऑफ द फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है, सो यहाँ पे रिलेशनशिप्स में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इंपेयरमेंट नहीं आएगी, एंड पर्सन का जो थॉट पैटर्न है उसमें भी इंपेयरमेंट नहीं होगी, उसकी कोऑर्डिनेशन भी इंटैक्ट रहेगी। बस कुछ टाइम के लिए होता है कि अटेंशन कंसंट्रेशन मेमोरी डाउन जाती है, बट वो परमानेंट नहीं है, वो जब अटैक होगा, पैनिक अटैक होगा, एंजाइटी सीवियर होगी उस टाइम पे होगा। सो विद द गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये कंडीशन को हम बहुत इजिली ट्रीट कर सकते हैं। सो वी कैन से न्यूरोटिक डिसऑर्डर का आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके माइंड एंड बॉडी पे उतना सीवियर इम्पैक्ट नहीं होता जितना साइकोटिक डिसऑर्डर करके जाते हैं। सो इसी के साथ लास्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। सो एट लास्ट आ गया हमारा ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर के। सो जैसा कि हमने देखा कि दिस इज अ माइल्ड डिसऑर्डर। ठीक है, सो माइल्ड डिसऑर्डर है तो यहाँ पे जो मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशन का रोल बाद में आएगा, सबसे पहले यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगी साइकोथेरेपीज। सो साइकोथेरेपी में इंडिविजुअल थेरेपी। ठीक है, सेकेंड आ गया बिहेवियर थेरेपी। एंड अगर फोबिक सिचुएशंस है, जहां एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स है, ज्यादा आपको कॉग्निटिव इंपेयरमेंट लग रही है, देन यू कैन गो फॉर दी सीबीटी। कॉग्निटिव एरर्स को ठीक करना है, देन बिहेवियर थेरेपी। सो ये साइकोथेरेपीज होती है मेनली न्यूरोटिक डिसऑर्डर के लिए। मेडिकेशन में क्या आएगा, जैसे कि एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया हम देते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दिए, लोरजेपाम, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, वो सारे आ गए। सो एंटी एंजाइटी ड्रग्स का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, ये गाबा के लेवल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बिकॉज जितने भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं मोस्टली उनमें गाबा का लेवल डिक्रीज हुआ होता है। सो एंटी एंजाइटी ड्रग्स गाबा के लेवल को इंक्रीज करवाते हैं, एंड जो साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं वो रिलीव हो जाते हैं विद द एंटी एंजाइटी ड्रग्स। सो इसके साथ साथ अगर कुछ ओसीडी के केस होते हैं तो ओसीडी में हम एंटी डिप्रेसेंट भी रिकमेंड करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। सो डेट विल डिपेंड अपॉन द केस टू केस, कि पेशेंट में सिवेरिटी कितनी है उस हिसाब से फिर मेडिकेशन चलाई जाती है। बट सबसे पहले अगर कोई न्यूरोटिक पेशेंट होता है तो हम उसको साइकोथेरेपी से ही ठीक करने की ट्राई करते हैं, अगर नीड होती है देन वी शिफ्ट ऑन दी मेडिकेशन थेरेपी, बट मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपिस्ट तब भी चलेंगे पेशेंट की।
ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड ऑल अबाउट द न्यूरोसिस. सो वीडियो के एंड तक आप सबने समझ लिया होगा कि न्यूरोसिस क्या होता है, कौन से फैक्टर्स कौन से कॉजेज होते हैं जो न्यूरोटिक कंडीशंस को अराइज कर सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं इसके. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोटिक एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर में मेजर डिफरेंस. सो अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी में अपने सर्कल में शेयर करो. एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन फॉर माय सपोर्ट यू कैन लाइक द वीडियो. सो स्टे कनेक्टेड विद नर्सिंग स्कूल फॉर फ्यूचर वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. सो स्टे कनेक्टेड विद नर्सिंग स्कूल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.